ये मेरे से कह रहा है कि भैया आप भी रोटी खा लो। तो मैंने कहा कि मैंने एक डेढ़ महीने से रोटी नहीं खाई है, बताना नहीं खाई, पर तुम बताओगे कैसे, कमेंट में बता देना, ये वीडियो देखेगा मैं कितने दिन से डाइट पर चल रहा हूँ। रात को मेरी तो आंख लग गई थी, बस वाले ने पता नहीं उड़ाया था क्या कर रहा था, 5:30 बजे यहाँ पहुँचा दिया ऋषिकेश में। अब मैं अपने होटल के सामने आ चुका हूँ। मेरे को लगता है कुत्तों से डर और ये सुबह सुबह भौंक रहे हैं। तो भाई एक और खड़ा है यार इधर साइड भी, बेटा ना भौंक ही मत दियो, तेरा नाम लिख के मर जाऊँगा, भौंक मत दियो चीते। आगे चल कुछ खिलाऊंगा, यहाँ क्या क्या दूँ भाई तेरे को, आ जा। तो ऋषिकेश की गलियों में भाई सुबह सुबह मैं सोच रहा था आराम कर लूँ, फिर मैं सोचा आराम करने थोड़ी आया हूँ मैं, अब सुबह सुबह मतलब सनराइज के टाइम पर गंगा किनारे बैठाऊंगा। बेटा पीछे से ना एकदम मत खा जाइए भाई मेरी पिंडी चख दे, अंधेरे के हिसाब से थोड़ा खतरनाक है। आ जा दोस्त, दोस्त आ जा, आ जा एक थंबनेल के लिए फोटो लेंगे, आ जा देखो उधर देख, उधर देख, उधर देख, उधर नॉटी दे दिया लुक। बेटा ये खत्म कर फिर और दूंगा। मेरे को लग रहा है जी कुत्ते मेरे को निकाला, कहीं सारे मिल गए। एक तो वैसे ही कुत्तों से डर लगा, मेरे को बचपन में खागा था, मैं भाग भी क्यों रहा था, अपनी गली का कुत्ता खागा मेरे भाई, और उसका शेरू नाम था उसका। और मैं ऐसा हुआ सीन कि मैं भाग रहा, मतलब भाग नहीं रहा था, मैं आ रहा था कहीं से पैदल पैदल, तो वो मेरे को घूर रहा, तो उसने पहले तो ऐसा कर रहा, तो मैं थोड़ा सा उसकी साइड इग्नोर करके मैंने चलता रहा सीधा सीधा, फिर वो दोबारा, मैंने कहा यार ये तो खाएगा, मैं भाग लिया। मैं जैसे ही भगा वो मेरे पीछे भगा, और एक घर सा था जिसमें खाली खंडर सा घर, उसके गेट पर चढ़ रहा था, मैंने एक पांव गेट पर ऊपर रखा, ऊपर चढ़ने के लिए एक पांव ऊपर रखा, जो दूसरा नीचे था ना वो उसके मुंह में बैठ, और फिर ऐसे हिला दिया। इतने में एक आंटी ने आके छुड़वा दिया मैं, नहीं मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देता, उसने जान के मार देता, पता ना कितने बनी थी उसने। ये लक्ष्मण झूला, क्या हाल है भाई जान? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं भी देख के आया हूँ। कैसा लगा? बहुत सुंदर। फर्स्ट टाइम आए हो आप ऋषिकेश? पहली बार? फर्स्ट बार। कब आए थे? ऋषिकेश आज ही आया हूं पूरे जीवन। अच्छा जी, सुबह सुबह ही? अरे वाह क्या बात, कहां से आए? और अलीगढ़। चलो बढ़िया लगा आपसे मिल के। गया था तो भाई पहली बार जो आदमी गया था उसकी दिक्कत होती है। हाँ हिल रहा था, जब थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। प्रभु बचाइए। अरे गंगा मैया ये नीचे, कोई दिक्कत नहीं, गंगा मैया अपने आप बचा लेगी। चलो सुबह सुबह की शुरुआत अच्छे लोगों से मिलकर हो रही है, ये भी अच्छी बात है। अब दिखाता हूँ तुम्हें लक्ष्मण झूला। अच्छा मैं जब पहली बार आया था मेरे को लक्ष्मण झूला बिल्कुल डर नहीं लगा, जैसे अभी ये भैया बता रहे कि इन्हें डर लग रहा था, पता ना यार इसमें मतलब डरने की क्या बात है, देखना नॉर्मली तो है पूरा रास्ता बना हुआ है, इसमें क्या डरने की बात है, बस ये है कि ऊपर है थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा हिलता है, और इधर से पानी देख रहे हो, लेकिन वहाँ लोग कम आते हैं। बहुत तुम्हें भी महसूस हुआ होगा शायद कि कितनी ज़्यादा शांति हुई है वहाँ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और वहाँ बहुत ठंडी हवा, नाक जम गई मेरी तो। बम बम भोले, जय महादेव, जय महादेव लिख देना तुम भी कमेंट में। यार ये सब कुछ खाली पड़ा हुआ है अभी तो यार। हाँ देखो ये स्ट्रीट, इस पर भीड़ लगी रहती है, अब पता नहीं जल्दी हुआ है सुबह सुबह इसलिए खाली है या फिर कोविड के चक्कर में खाली है, लेकिन कोविड के चक्कर में होगी नहीं क्योंकि यहाँ सब कुछ खुल चुका है, मैंने पूछा था अभी उनसे तो यहाँ सब कुछ खुल चुका है। मैं वहीं जाके बैठता हूँ जहाँ मैं बैठता था, बस एक बार भोले बाबा का दर्शन कर लिए, अब वहीं चलते हैं जहाँ हम बैठते हैं, अपन लोग वहीं बैठेंगे। आज तो मैं दिखाता हूँ वो एरिया, बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ। अब देखो तुम्हें यहाँ मेरी आवाज़ आ रही होगी, फिर भी आ रही होगी, मतलब थोड़ी बहुत शोर आ रहा होगा लेकिन आ रही होगी। अब एकदम से अब देखना, मैंने अभी 3 दिन पहले लेग्स की एक्सरसाइज करी थी, अब जब ये खड़ी सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ ना तब पता चल रहा है कि क्या एक्सरसाइज मारी थी मैंने।
ये देखो यहाँ से मैं सोच रहा था कि सनराइज देखूंगा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ सनराइज यहाँ 12 बजे से पहले सूरज दिखता होगा, क्योंकि इतनी ऊपर तक तो ये पहाड़ी है। अगर मैं पीछे होता और व्यू वैसा बन रहा होता तो अलग बात थी, यहाँ से तो कोई चांस लग नहीं रहा। इस पत्थर पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, शांति है, लेकिन यहाँ बदबू आ रही है, किसी कुत्ते ने टट्टी कर रखी है मेरे ख्याल में, तो मैं पत्थर चेंज कर लेता हूँ उसके बाद करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि कुत्ते सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं। ये देखो अपना हाफ डॉग ही आ गया, अब वापस जा रहा हूँ तो अभी साथ साथ हो गया। चल बेटा आ जा मेरे को होटल छोड़ के, ले मेरा बैग उठा ले आ जा। तो ये है मेरा हॉस्टल, यहाँ से ढंग से दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत सही जगह है। मतलब ओ भाई लंगूर बैठा यार, ये खोज के ले जाऊँ यार हाथ में तो कोई भी चीज़, थोड़ा सेफ्टी से निकल लेता हूँ। भाई ये लंगूर खा तो ना जाएगा यार, ये खा तो ना जाएगा। नहीं, ये नहीं पक्का हाँ। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ये मतलब महंगे महंगे होटल लेने से अच्छा है, मतलब अगर आपका बजट लो है या लो बजट में कोई ट्रिप मारनी है तो ये हॉस्टल रिजॉर्ट वगैरह टाइप बढ़िया होते हैं। यहाँ की गाय बिजा रहे हैं या गाय जो भी है, थोड़े ना छोटी हाइट के रहते हैं यहाँ के, रास्ता घेर खड़े हैं एक दूसरे से। और ये देख लो राफ्टिंग चालू है, अगर किसी को ऋषिकेश आना हो आ सकता है। ये देखो नीचे भी, ज़्यादा नीचे ना दिखाऊंगा तो फोन ही छूट जाता है। ज़्यादा हाइट होने का नुकसान। ऋषिकेश के बेस्ट कैफेज में से एक है ये फ्रीडम कैफे करके, बहुत सही व्यू है और बिल्कुल गंगा के किनारे, मतलब देखो। और क्या ही चाहिए इंसान को। नहीं मैं तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलवाता हूँ। भाई अपना नाम बताओ पहले तो। तुम राज? राज कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मतलब पढ़ा? फिफ्थ में। कहाँ पे स्कूल है आसपास? तपोवन में। सब कुछ पढ़ाते हैं वहाँ, इंग्लिश वगैरह सब सही है यार। ये अपना भाई है, इसने अभी मेरी फ़ोटो खींचे, बहुत कैडी और ये इंग्लिश भी बोलता है। फ़ोटो देखो तुम भाई की क्वालिटी, भाई बड़े होकर फोटोग्राफर बनना है हाँ? तो यार बढ़िया फोटो खींच रहे हो तो बन सकते हो तुम, क्यों भाई? देखना यार अभी इंस्टाग्राम पे डालूंगा, वहाँ देखना ठीक है। मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देखो। हाँ ये वाली फोटो सबसे ज़बरदस्त ये फोटो आई है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच। ये नगाब हटा के शक्ल तो दिखाओ, इधर आओ यार, उधर सूरज आ रही है। हाँ ये है भाई, अगर कभी ऋषिकेश आओ तो यहीं मिलेगा भाई तुम्हें। भाई ने बताया कि ये खरीद के इसमें कुछ भी विश मांगो तो पूरी हो जाती है ना, कुछ भी विश मांग सकता हूँ मैं अभी जोत जला के, और फिर वो विश मेरी पूरी हो जाएगी। तो किसी के लिए कुछ मांगना है तो बता देना, तुम्हारे लिए मांगना भाई कुछ? रोज ही मांगते हो। दीपक जलाऊंगा तो वीडियो बनाओगे? ठीक है तुम बनाना वीडियो, मैं जलाऊंगा ठीक है। अभी ये मेरा दोस्त बना था पर ये नाराज होगा मेरे साथ। ओए बेटा कालो, सो जान दे कोई ना, बालक है। इस कुत्ते को कुत्ता खांसी हो रही है, अभी खांस रहा था। ये देखो तुम व्यू। What we do here is go मछली की लड़ाई करवा दी हमने यहाँ। सारे एक साथ फेंकू? व्यू कह रहा है
कि भैया आप भी रोटी खा लो। तो मैंने कहा कि मैंने एक डेढ़ महीने से रोटी नहीं खाई है, बताना नहीं खाई, पर तुम बताओगे कैसे? कमेंट में बता देना, ये वीडियो देखेगा मैं कितने दिन से डाइट पर चल रहा हूँ। सच में नहीं खाता मैं रोटी डेढ़ महीने से, पनीर खा रहा हूँ, लेकिन मैं पनीर खा रहा हूँ साथ में। ये जिस पे लाइट चल रही है ये लक्ष्मण झूला ही है, लाइटिंग के बाद रात को ऐसा लगता है। मैंने रोटी खानी छोड़ी रखी है जैसे आप लोगों को पता ही है, लेकिन राज ने मेरे को ज़बरदस्ती एक पराठा खिला, मतलब आधा पराठा मैंने पनीर का खाना पड़ा, क्योंकि वो बार बार भैया आप भी कुछ खा लीजिए, भैया आप भी कुछ खा लीजिए, वो नहीं खाता तो फिर उसको वो अजीब लगता कि मतलब समझ रहे हो ना। तो खा लिया मैंने बहुत दिन बाद, अब मेरे ऐप से मतलब 10 दिन और डिले हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं। जब तुम बहुत टाइम बाद कुछ खाते हो तो आधे पराठे से भी इतना पेट भर जाता है जितना मैं तीन तीन खा जाया करता था, तब बिना भरे करता। बहुत फुल सा लग रहा है। वो चढ़ाई अपने आप में एक ट्रैक है भाई, अगर उसे मार लो, दो चक्कर मार लिए ना, होटल भी मुश्किल पकड़ोगे, सीधे बिल्कुल ऐसे ऐसे खड़ा ना बंदा ना बंदे की जात। रात के 12:30 बजे